पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मज़हब को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो कहते हैं जी कारोबार करना है चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन कोई भी हो, हमें कारोबार करना है, वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। आप चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, हमारा इंडिया का भी दोस्त है, उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीज़ें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है, वसल देना वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना वो वाकई ही मतलब उसका रुझान ये, एक दूसरी प्रॉब्लम ये कि हमारे अंदर इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है, हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ एक ही माँ के, वो भले कोई समझे ना समझे, माँ वो भारत माँ है, मतलब जमीन एक है, जमीन एक है, आपने पार्टीशन कर दिया, आपने दो पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है, कोई समझे ना समझे। तो आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानियों की तो क्या हुआ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना, आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूँगा। दुनिया का असूल नफरत ही करोगे तो मैं आपको नफरत ही बांटूंगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता, ऐसी बात है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना, कि हम भी चाहते हैं कि हम भी करोगे, लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम यह कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया नहीं जाता, सिस्टम उठता ही नहीं, उसको बैठा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बेसिक होती है आपके घर से तालीम, हमारे घर से तालीम, हमारे 16 साल 17 साल का बच्चा क्या होता है, वहीं से वो चोरियाँ सीखता है, झूठ सीखता है, फ्रेड सीखता है, वो सारे वही काम करता है, जब वो बाहर दुबई जाता है, सऊदी जाता है, तो वही आगे काम करता है, जो उसने घर से सीखा, जो सीखा होता है उसने, ठीक है ना। तो हमारी बेसिक खराब होती है। आप ये देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, जो भी देख रहे हैं, और सिर्फ इंडिया के जो लोग हैं वही नहीं, बल्कि जो हमारे पाकिस्तान में भी जितने भी हमारी हिंदू कम्युनिटी मौजूद है, बल्कि ऑल ओवरऑल पूरी दुनिया में जितनी भी हिंदू कम्युनिटी मौजूद है, उन सबको मेरी तरफ से और निम्रा की तरफ से हैप्पी दिवाली। भाई देखिए, हमारे पास जो सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी है ना, वो बड़ी बड़ी तादाद में है और बहुत अच्छी है, मतलब कि उनका मतलब अमन मोहब्बत प्यार इस काम में बहुत अच्छे हैं, और जिन एरियाज में हिंदूज रहते हैं मैंने देखा वो बड़े पुरसकून और पुरअमन एरिया, बिल्कुल बिल्कुल पुरसकून और बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं ये, ठीक है, और साथ सपोर्ट करते हैं और कभी भी मतलब ये कि लड़ाई फट्टे में नहीं आते लोग। तो मेरा तो पैगाम ये कि इनको विशेज़ हैं, बेस्ट विशेज फॉर हमारी जो हिंदू कम्युनिटी, उनको हिंदुस्तानियों को भी, ठीक है ना, और पाकिस्तानियों को भी, कि आपको नेक तमन्नाएं हमारी दिल की गहराइयों से दिवाली की खुशियां मुबारक। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी परमिशन देनी चाहिए ऑफिशियली कि दिवाली मनाई जाए यहाँ पे? आई गेस जो माइनॉरिटीज़ हैं जी, उनको ये राइट देना चाहिए कि वो अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें, और हाँ, क्योंकि अगर हम इंडिया में होते और हमें कोई ईद मनाने से रोकता तो शायद हमें भी उतना ही बुरा लगता जितना यहाँ की माइनॉरिटीज़ को लगता है। तो या आई गेस यहाँ पे परमिशन देनी चाहिए, एटलीस्ट इंडियंस को देनी चाहिए कि वो सेलिब्रेट करें। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी दिवाली मनानी चाहिए? मेरे ख्याल में जो हिंदू कम्युनिटी है वो मनाती है, मेरे ख्याल में वो मनाती है, मेरा पर्सनली उनके साथ इंटरेक्शन अभी नहीं हुआ, लेकिन आई होप कि वो मनाती है। कोई मैसेज देना चाहेंगे पूरा मन सा दिवाली के मौके पर इंडियंस को? यस यस, ओवरऑल यार खुश रहें, मज़े में रहें, और बी पॉजिटिव, फेस्टिवल्स सबके लिए होते हैं और सब मनाएं, मज़े से मनाएं, आप हैं हम हैं, मतलब खुद भी एक्साइटमेंट होती है यार। हमारी जब ईदें आती हैं तो तब कभी भी मैंने ये नहीं सुना कि ये मुसलमानों का त्यौहार है, ये पाकिस्तान का त्यौहार है, यही सुनने में मिलता है कि यार हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनकी ईद है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर इस तरह से हिंदुइज़्म का कोई त्यौहार है तो उसको भी आप उसी तरह खुशी से और मज़े से सेलिब्रेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको हैप्पी दिवाली। आज दिवाली का त्यौहार है जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप USA देखो, UK देखो, यहाँ तक के तमाम इस्लामिक कंट्रियों में भी दिवाली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सऊदीया बहुत ही बड़े स्केल पर इसको सेलिब्रेट करता है क्योंकि वहाँ पर इंडियंस बड़ी मात्रा में रहते हैं और इसलिए वो दिवाली को बहुत अच्छे तरीके से भी सेलिब्रेट करता है। अगर कोई देश है जहाँ पर ओपनली सेलिब्रेट नहीं किया जाता दिवाली, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर ओपनली सेलिब्रेट नहीं किया जाता क्योंकि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो इसको पसंद नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है और जो कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर हिंदू बाहुल है, वहाँ पर छोटे छोटे स्केल पर और अपने अंदर ही अंदर वो लोग दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। मार्केट है, यही वजह है कि वो उनके त्यौहार मनाते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जॉब्स के हवाले से भी और हर चीज़ में बिजनेस के हवाले से भी वहाँ पर इंडियन जो है वो ज़्यादा है, ग्रोथ कर रहे हैं, तो इस वजह से उनका झुकाव होगा बिल्कुल बेशक उनका। पर इस साल जो है उनको इस दफ़ा नहीं करना चाहिए था, जबकि क्योंकि मुसलमानों का जो है वो फलस्तीन के अंदर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इस हवाले से उनको इस दफ़ा जो है उनको थोड़ा सा करना चाहिए था, नेक्स्ट ईयर से करते वो तो ज़्यादा बेटर रहता, और इस वजह से मुसलमानों में हो सकता है कि शायद गम गुस्सा पाया जाए। इन्होंने एक बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि फलस्तीन के अंदर इस वक्त जो है इसराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो ये साल गम के तौर पर मनाना चाहिए था, लेकिन इंडिया और इसके साथ साथ अगर हम दुबई में देखें और पाकिस्तान में भी होली मनाई गई, लेकिन UAE में बहुत शानदार मनाई गई। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आज भी यहाँ पर मनाई जा रही है मुसलमानों के साथ, हिंदू भी मतलब दिवाली मना रहे हैं और जोशो खरोश से मना रहे हैं, पर इस तरह से नहीं होता क्योंकि हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है वहाँ पर, और फलस्तीन के अंदर जो है वो फसायत जो है वो खुल के सामने आ रही है और पूरी दुनिया देख रही है, तो जहाँ पर उनका
मतलब कह रहे हैं कि यूएई को फलस्तीन का साथ देना चाहिए था, ये फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, अगर हम तालुकात की बात करें इंडिया के और यूएई के और इसके साथ है यूएई के तालुकात पाकिस्तान के साथ, तो हम देखते हैं कि जो यूएई है उसके रिलेशनशिप इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ना वो इंडिपेंडेंस डे विश करता है और ना ही पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग तालुकात दिखने में मिल रहे हैं। ये तो हमारे जो हैं मिनिस्ट्रीज हैं हमारी, उनको चाहिए था कि वो अपने तालुकात बेटर करते हैं उनके साथ, पर वो लोग इस चीज़ में फेल रहे हैं। और जब तक प्रीवियस हुकूमत थी तो अच्छा चल रहा था, तालुकात अच्छे चल रहे थे हमारे, इंडिपेंडेंस भी हमारे वो सेलिब्रेट करते थे अपने वो बुर्जुल अरब पे लगाते थे और बुर्ज खलीफा पे, और इस दफ़ा से वो लोग नहीं कर रहे हैं 2-4 सालों से। तो ये मतलब कि हमारे मिनिस्ट्रीज हैं उनको फोकस चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो आगे इस चीज़ को लेकर चलें। इंडियंस जो है दिवाली क्यों मनाते हैं और दिवाली क्या होती है? इंडियन कल्चर का इतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं उनको बेस्ट विशेज ही दूंगी। आई होप सबकी दिवाली अच्छी गुजरी हो और सबने एंजॉय किया हो, दैट्स इट। मैं बस कैसे मनाते हैं दिवाली, कैसे मनाते हैं, कुछ पटाखे होते हैं जितना हम ड्रामों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, कुछ पटाखे होते हैं और लाइटें होती हैं, अगरबत्तियाँ होती हैं, दैट्स ऑल। अगर आपको मौका दिया जाए दिवाली मनाने का, कैसे सेलिब्रेशंस करेंगे आप? बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मनाते हैं। कैसे? बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल वैसे ही, हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पटाखे बजाते हैं, और आई गेस कुछ फैमिली रियूनियंस होते हैं, जैसे हमारी ईद है, आई गेस इट्स द सेम थिंग। या ओके, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी परमिशन देनी चाहिए ऑफिशियली कि दिवाली मनाई जाए यहाँ पे? आई गेस जो माइनॉरिटीज़ हैं जी, उनको ये राइट देना चाहिए कि वो अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें। और हाँ, क्योंकि अगर हम इंडिया में होते और हमें कोई ईद मनाने से रोकता तो शायद हमें भी उतना ही बुरा लगता जितना यहाँ की माइनॉरिटीज़ को लगता है। तो या आई गेस यहाँ पे परमिशन देनी चाहिए, एटलीस्ट इंडियंस को देनी चाहिए कि वो सेलिब्रेट करें। तो ये थी वो वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट नहीं की जाती दिवाली, कहीं छोटे छोटे स्केल पर हिंदू वगैरह रहते हैं तो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पर सेलिब्रेट नहीं की जाती। और रही बात दुबई की, तो ये बात सच है कि दुबई में इंडियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं और इंडियन जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है। दुबई जैसी कंट्री कभी भी इंडियन मार्केट को नहीं खोना चाहेगी। और दुबई अभी फ़िलहाल कुछ सालों में देखा गया है कि वो थोड़ी लिबरल होते जा रहे हैं, ये लोग इंडियंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि दुबई के अंदर जो तेल के भंडार हैं वो हमेशा तो रहने वाले नहीं हैं। तो ये लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर रहे हैं